जनपद में 3 मार्च को विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 843 बसों को अधिग्रहण किया गया है, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि 3 मार्च को विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, जिसके लिए 843 छोटी और बड़ी बसों को अधिग्रहण किया गया है और सभी बसों के नंबर को अंकित किया गया है, जिससे कि पोलिंग पार्टी को पता चल सके कि कौन सी बस किस विधानसभा को जाएगी। उन्होंने कहा कि DDO प्रांगण में 9 विधानसभा के बसों को अलग अलग कोडिंग करके खड़ा किया गया तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी कार्मिकों को अवगत करवाया गया है कि कौन सी बसें कहां पर खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी बसों को शाम तक पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया जाए। इसके साथ ही पोलिंग पार्टी के वाहन के ड्राइवर के लिए नाश्ता व भोजन की भी व्यवस्था करवाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, विधानसभा चुनाव जो कि 3 मार्च को होने वाला है, उसके लिए आज यहां 2 मार्च को यूनिवर्सिटी के कैंपस से पार्टियां रवाना हो रही हैं। इसके लिए छोटी बसें मिला के कुल 843 बसों का अधिग्रहण किया गया है और सभी बसों पे रात में नंबरिंग कर दी गई है, कौन बस किस विधानसभा के लिए किस पार्टी के लिए है। तो सभी बसों को मार्क करके चंपादेवी पार्क में यहाँ पे विश्वविद्यालय पार्क में खड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा चंपादेवी पार्क से सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी कल ही वितरित कर दी गई है और बसों को यहाँ के जो मेन पार्क है यूनिवर्सिटी ग्राउंड का, उसमें 7 विधानसभा बसों को अलग अलग कलर कोडिंग के माध्यम से खड़ा किया गया है। इसके अलावा सटा हुआ जो ग्राउंड है उसमें 2 विधानसभा बसों को खड़ा किया गया है और सभी के साइनेजेस जो हैं यूनिवर्सिटी के हर जो टी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे लगाए गए ताकि पब्लिक को इसको ढूंढने में आसानी रहे। और साथ साथ यहाँ पे लाउड हिलर के माध्यम से लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं कि कौन बसें कहाँ पे खड़ी हैं। तो एक अलग कलर कोडिंग देने की वजह से जनता को ये सहूलियत होगी, जो पोलिंग पार्टी से सहूलियत होगी कि उनको अपनी बसें पहचानने में आसानी होगी। तो हमारा प्रयास ये है कि जल्दी जल्दी जो बसें हैं उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाए। देखिए पोलिंग पार्टी आना शुरू हो गई, अपने मटेरियल कलेक्ट करना शुरू कर दी हैं और धीरे धीरे आके बसों में बैठना शुरू कर दिए हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि अगले 2 से 3 घंटे में सभी पार्टियां रवाना कर दी जाएं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक नई व्यवस्था के रूप में यहाँ पे पोलिंग पार्टीज़ के लिए जो खाने की व्यवस्था है बसों में करा दी है। इसके अलावा सुबह पोलिंग पार्टी को जो भी नाश्ता होता है वो उनके टेबल से वितरित कर दिया गया है और बसों के ड्राइवर और चालकों ड्राइवर और खलासी जो होते हैं उनके लिए भी खाना जो है अलग से यहाँ पर व्यवस्था कराई जा रही है। तो ये हमारा पूरा उद्देश्य है कि अगले 2 से 3 घंटे में आराम से सारी पार्टी जो अपने गंतव्य पहुँचें।